नमस्कार। सो सेकंड वीडियो इस सीरीज़ में, और कल एक शॉकर तो लग ही चुका है। उससे पहले कि आप सभी मुझे जानते हैं, विवेक गुप्ता, और ये जो है ये वो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। मोटा मोटी इस साल जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है जनरल कैटेगरी के लिए, वो 650 प्लस होने वाली है। और पर इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वीडियो मैं आपको अलग से बना के दे दूँगा कि एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी बाई कैटेगरी कहाँ ख़त्म होने वाला है, स्टेट्स कैटेगरी बाई कैटेगरी कहाँ ख़त्म होने वाले हैं। और आई एम श्योर कि आप यूट्यूब पे वो ऑलरेडी सुन लिए होंगे, पर फिर से जो मेरा पर्पज़ होता है आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना, समझाना, जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। और ये अब पहला साल होगा आप लोगों को ना, और ये चीज़ से प्लीज़ डोंट टेक मी एनी बायस, खुद मैं गुप्ता हूँ तो वी बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, पर जो भी इंडिया का सिस्टम है वो है और मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता। और आप लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि 100 में से 27% OBC, 15% SC, 7.5% ST, 10% EWS, विच मीन्स 40% जनरल सीटें हैं। जी नहीं, उन 40% को अनरिजर्व सीट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, क्योंकि इस साल बहुत भयंकर दिक्कत हो गई है, या शुड आई से कि OBC जो हैं वो बहुत पढ़ने लग गए हैं। और पहले हम कहते थे ना, आज से 15 साल पहले बिल्कुल होता था, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो हमेशा रिजर्वेशन वालों को कि देखो जी, टॉप 10,000 में से 8,000 बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं और फिर भी SC को ST को सीट मिल जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक कॉमन परसेप्शन है जो इंडिया में चलती है। लेकिन अब OBC के अंदर इतनी जातियाँ आ गई हैं, और OBC के अंदर फिर से मेरे SC ST भाई बुरा ना माने, OBC में सारे के सारे हाईली एजुकेटेड या पॉश या अच्छे पैसे वालों की ही जातियाँ आ गई हैं, कि अब जो पहले जनरल थी वो OBC हो गई। ऐसा मतलब ये ध्यान समझिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, मेरे सामने स्कोर कार्ड पड़ा है 600 नंबर वाला, जिसकी ऑल इंडिया रैंक है 80,000 और कैटेगरी रैंक जनरल में है 28,000। समझिए, तो जनरल पहले क्या होता था कि अगर 80,000 आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो हम ये मान के चलते थे कि पहले 80,000 में 50,000 बच्चे तो जनरल कैटेगरी के होंगे और ये थोड़े बहुत OBC के होंगे, थोड़े बहुत SC ST के होंगे। लेकिन नहीं, अब पहले 80,000 में सिर्फ 28,000 जनरल हैं, और मैं मान के चल सकता हूँ कि इसी रेंज में जो शेड्यूल कास्ट होगा, अगर किसी को ऑल इंडिया रैंक 80,000 है वो प्लीज़ मुझे देखिएगा और कमेंट डाल सकता है कि अभी भी उनकी जो कैटेगरी रैंक है वो 15% के हिसाब से चलती है, तो उसकी कैटेगरी रैंक होगी कुछ तो 10,000 ST के हिसाब से, ST है तो और कम होगी, समझ लो ST में कैटेगरी रैंक 5,000। इसका मतलब यह है कि पहले टॉप के 80,000 में 28,000 जनरल हैं, रफली स्पीकिंग 10,000 SC हैं, 5,000 ST हैं, तो 28, 10 और 5 तो हुए 43, बाकी 40,000 कौन है, OBC, विच मीन्स OBC की जिनकी वैसे पॉपुलेशन 27% या रिजर्वेशन 27% है, उनकी जो वॉल्यूम है वो हो गई है 50%। मतलब पहले 1,00,000 बच्चों में 50,000 OBC हैं, पहले 30,000 बच्चों में 15,000 OBC हैं, पहले 10,000 बच्चों में 5,000 OBC हैं। अब इसका लफड़ा क्या है, इसकी दिक्कत क्या है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और एडवांटेज सुपर एडवांटेज क्या है OBC के लिए। एक तो ये OBC बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आधे बच्चे OBC के हैं और जनरल कैटेगरी के बल्कि अब रह गए हैं 35%। 28,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 80,000 से, तो एज़ पर कैटेगरी अब OBCs आर परफॉर्मिंग बेटर दैन अनरिजर्व्ड। बट अब आएगा दूसरा लफड़ा और जनरल कैटेगरी लफड़ा, और अब जनरल कैटेगरी को तो शायद इस बार मेडिकल कॉलेज में ऐसा होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी के सरकारी कॉलेजों में शायद सिर्फ 25% ही बच्चे होंगे। जी हाँ, सिर्फ 25%, कैसे ये समझिए, लास्ट ईयर ये फिगर मैंने निकाली थी 32%। अब आपको पता है अलॉटमेंट कैसे होती है, तो लेट्स से अलॉटमेंट शुगर है कॉलेज बाय कॉलेज होती है, वरना ये जनरल कैटेगरी थोड़ा और नीचे होती है। और फिर से मैं बाबा शुगर है कह रहा हूँ, तो प्लीज़ SC ST बुरा ना माने, मैं ये वीडियो जनरल कैटेगरी के हिसाब से बना रहा हूँ तो वो सुन रहे हैं, ठीक है। हम SC ST का भी काम करते हैं, बहुत मेहनत और ईमानदारी से सबका काम करते हैं। ऑल इंडिया रैंक समझ लीजिए 1 OBC है, अगर वो एम्स अप्लाई करेगा, लेकिन उसको एम्स दिल्ली में ना OBC की सीट नहीं मिलेगी, जनरल की सीट मिलेगी, इसलिए उसको हम अनरिजर्व कहा जाता है। आप अगर नीट का स्कोर कार्ड भी देखोगे, आपको कहीं जनरल वर्ड नहीं मिलेगा, आपकी कैटेगरी में मिलेगा, लेकिन अब नीचे जब कट ऑफ देखोगे तो UR लिखा हुआ है। तो सरकार कहती है एक्चुअली में 15% ST SC, 7.5% ST, 27% OBC, 10% अनरिजर्व्ड EWS और 40% अनरिजर्व्ड। नाउ अनरिजर्व्ड कैन ऑल्सो हैव OBC SC ST। समझिए दोबारा से, अब रैंक 1 है किसी OBC की, उसको एम्स दिल्ली की सीट मिल गई,
लेकिन एम्स दिल्ली के खाते में से जो सीट कम होगी वो होगी अनरिजर्व की, मतलब ओबीसी की 27% सीटें अभी भी सुरक्षित हैं और ये जो सीट एलोकेट हुई है ये अनरिजर्व खाते से हुई है। लेट से रैंक नंबर 2 किसी अनरिजर्व बच्चे की है तो उसको मिल गया अनरिजर्व सीट। रैंक नंबर 8 किसी शेड्यूल कास्ट की आ गई है ऑल इंडिया। अब कहने को वो शेड्यूल कास्ट है लेकिन उसको सीट शेड्यूल कास्ट नहीं मिलेगी, उसको अभी अनरिजर्व मिलेगी। तो पहले सारी एम्स में 40 की मतलब सारी की सारी अनरिजर्व सीटें दी जाएंगी आप किसी भी कैटेगरी के हो। अब एक ओबीसी आता है और यू नो अनरिजर्व सीटें ख़त्म हो गई हैं तो उसको मिलनी शुरू होंगी ओबीसी की सीट्स, बट तब तक अनरिजर्व तो ख़त्म हो गया है। तो आसान भाषा में समझ लो पर ये चलता कॉलेज बाय कॉलेज है, ऐसी एमसी में होगा ऐसी उसमें होगा। तो कई लोग ना ये परेशान हो रहे हैं कि सर आप खाम खाम में डीमोटिवेट कर रहे हो, मेरी ऑल इंडिया रैंक 60,000 है, मेरी कैटेगरी रैंक तो 21,000 है और इंडिया में टोटल अगर 60,000 सरकारी सीटें हैं तो 24,000 बन जाती हैं जनरल के लिए 40% के हिसाब से, मेरी रैंक तो 21,000 है, आप मुझे देखते मना कर रहे हो। तो उन सबको मैं समझा रहा था पैसे ले लेके, इसलिए आपके लिए वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं होगा, इस साल आप मोटा मोटी मान के चलिए कि सिर्फ सरकारी कॉलेजों में 25% ही अनरिजर्व बच्चे जाएंगे। तो एससी की सीटें अगर हम 15% बोलते हैं तो अक्सर वो जो कॉलेज में पहुँचते हैं वो 16-17% पहुँचते हैं, क्योंकि जो एससी ऊपर के मेरिट में आता है उसको एससी की सीटें अलोकेट होती अनरिजर्व होती है, या आप जनरल कह लो सेम एसटी, तो एसटी 7.5 नहीं 8% पहुँचते हैं, एससी 15 नहीं 17% पहुँचते हैं और ओबीसी अब 27 नहीं जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कम से कम 50% पहुँचेंगे। तो 50% ओबीसी होंगे, ईडब्ल्यूएस चूँकि बिल्कुल अलग चलता है तो वो 10% होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि शायद ज़्यादा बोल गया मैं, ओबीसी अगर 50 ना होंगे तो 40 ज़रूर होगा, 40 और 10 ईडब्ल्यूएस 50 और 16 और 8 24 और जनरल कैटेगरी के 25% लोग। तो अब आप ये मान के चलिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन 25% होगा, क्योंकि जो ओबीसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको सीट शुरू में टॉपर के टॉप बच्चों को अनरिजर्व की दी जाएगी और जब अनरिजर्व ख़त्म हो जाएगा तो उनको ओबीसी कोटे से पूरा उनका 27% तब तक सुरक्षित रहेगा। पर्पस मेरा ये है कि अगर जनरल कैटेगरी के लोग सुन रहे हैं तो आप कैटेगरी रैंक देखकर भी खुश मत होइए, साइड बाई साइड ऑल इंडिया रैंक देखिए, और अगर आप बहुत नीचे हैं तो ये आपको पता होगा कि लोगों क्योंकि लेकिन ओबीसी वाला कैटेगरी रैंक देख रहे हैं तो वो सुरक्षित है, समझ रहे हैं, बल्कि उसको फायदा है। तो ओबीसी में रिजर्वेशन तो 27% है, तो 60,000 सरकारी सीट का 27% तो खाली लेट से 16,000 बनता है, बट ओबीसी में अभी कैटेगरी रैंक 22,000 भी है तो भी आपकी सगाई सीट कन्फर्म है, अदर देन अगर आप दिल्ली हरियाणा उसके हो, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन एक अलग लेवल का है। तो वो आप मेरा वीडियो सुनते ही हो कि दिल्ली हरियाणा बिहार और राजस्थान का जो स्टेट कट ऑफ है वो ऑल इंडिया से ऊपर चलता है, सेम एससी एसटी में है, बट जनरल कैटेगरी में आप मान के चलिए कि आपके पास 25% ही सीटें हैं जहां आप जा पाओगे, बिकॉज ओबीसी सब बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको मैंने फिगर बताई दी कि एक्चुअली अब हर 10,000 में 5,000 बच्चे ओबीसी हैं, पहले आज से 20 साल पहले जैसा जब मैं इंजीनियरिंग या एमबीए कर रहा था तो 10,000 में से 8,000 जनरल होते थे, अब वो एक्चुअली घट के 3,500 रह गई हैं। तो वैसे भी ओबीसीज आर परफॉर्मिंग गुड, तो दे आर इन द टॉप, बट प्रॉब्लम ये है कि वेन दे आर एट द टॉप फॉर जनरल कैटेगरी दे विल फर्स्ट गेट द जनरल सीट, दैट्स वाई द जनरल सीट इज़ कॉल्ड अनरिजर्व सीट, और फिर वो ओबीसी का खाता बाद में खुलेगा। सेम लॉजिक हैपन्स फॉर एससी एसटी, एससी एसटीज में अभी भी टॉप में आपको काफ़ी कम बच्चे नज़र आएंगे, लेकिन ओबीसी में तो बहुत सारे हैं। तो मतलब क्योंकि हिंदुस्तान की आधे से ज़्यादा जातियाँ ओबीसी में आ चुकी हैं या काफ़ी हद तक। तो ये मैंने लोगों आपके लिए बना दूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे, परेशान हो रहे थे। हैव ए नाइस डे। उसी तरीके से आपको सटीक जानकारी चाहिए चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट एमबीबीएस काउंसलिंग हो, यू नो अवर नेम, यू नो द फ़ोन नंबर 9643362320। आप ये भी जानते हैं कि हम फ्री ऑफ चार्ज से बात नहीं करते हैं, सो वैन यू कॉल अप आपको 2,500 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप मुझसे बात करना चाहें, 5,000 रुपये अगर आप जूम को लेना चाहें। MBBS इंडिया के सारा काम सारे केसेस सारी बातें मैं डायरेक्टली करता हूँ, तो इसलिए हमारे चार्जेस हैं थोड़े आपको हाई लगेंगे, उस क्वालिटी की कीमत होती है। और फिर जो आप भी हमारा पैकेज लेंगे 30, 50, 75 या 1-1.5 लाख रुपए का, वो जो पहली कॉल के पैसे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।